लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। पहली बार जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया था तो उसी समय सारे विभागों में जितने भी पद रिक्त थे हमने संकल्प लिया था कि सारे पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो सुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई, उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर बजा कर ऊपर करके नीचे करके तोल कर मोल कर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए। क्योंकि पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज जो नकल माफिया हैं और उन्हें समर्थन और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो दिन उनके सामने आ गए हैं और उनको दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब हमने निर्णय लिया था भाइयों बहनों, हमें पता था कि इस प्रकार की परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था कि उत्तराखंड राज्य को सही दिशा में ले जाया जाए, उन नौजवानों को, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत से ईमानदारी से, जिनके माता पिता ने अपना घर बेचकर अपनी जमीन बेचकर अपने घर के जेवर गिरवी रखकर उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है लिखाया है, अपना न खाकर उन बच्चों के लिए उनकी फीस का इंतजाम किया है, उनके पढ़ने का इंतजाम किया है, उनके रहने का इंतजाम किया है, उनके आने जाने का इंतजाम किया है, उनके पास और उनके माता पिता के पास इस शिक्षा के अलावा कौन सी पूंजी है, कौन सा धन है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? उनका एकमात्र रास्ता शिक्षा है और वह भी बंद हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा भाइयों बहनों? इसलिए हमने तय किया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, कितनी भी इसमें कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन अब इस रास्ते पर हम आगे चलेंगे और संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा नकल करके नहीं होनी चाहिए, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, पर्चा आउट नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों हम नकल का कानून लेकर आए और ये कानून आज भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून है जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है, जो परीक्षा में भाग लेने वाला है अगर वो उसमें लिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। भाइयों बहनों कुछ राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग अब जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं आपने सबको दिशा देने का काम करना है, आपने राज्य और प्रदेश के भविष्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। इसलिए हमें अपनी युवा शक्ति को, हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को सही दिशा में ले जाकर
समाज को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, एक राजनीतिक दल के लोग जब देश के अंदर बड़े बड़े घोटालों की बात होती है तो उस घोटालों के समय में कहते हैं कि ये सीबीआई जो है केंद्र की चलने वाली सरकार के हाथ का खिलौना है, उसके इशारे पर काम करता है। और जब यहां पर भर्तियों की जांच हम करवाने लगे और भर्तियों की जांच के साथ साथ हम कैलेंडर भी निकालने लगे, हमारा आयोग लगातार कैलेंडर निकाल रहा था भर्तियों के आगे के और तय समय पर भर्तियों को कराने के लिए अपने सारे इंतजाम कर रहा था, ऐसे समय में कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सीबीआई करवाने के लिए कोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी सुनवाई करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक 7 सालों तक 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मनसा देखना चाहता हूं। अभी पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने उस परीक्षा में भाग लिया और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने का काम किया, कुछ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक हो गया और जैसे ही मुकदमा हुआ उसकी सारी जांच करवाई गई तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी टाल दीजिए, आने वाली परीक्षा भी टाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है? जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का किसी भी कीमत पर समय बर्बाद ना हो, उनकी आयु सीमा आगे निकल जाएगी। अब स्वयं मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी भी हुई है, अगर भर्ती हुई है, अगर ये 5 साल बाद होती तो कितने लोग इसमें से परीक्षा में भाग ले पाते क्या? नहीं, जोर से बोलिए, नहीं ले पाते ना। ऐसे ही अगर 5 साल 7 साल जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी है, तमाम पेपर होने हैं, अगर वो 5 साल तक नहीं होंगे 7 साल तक नहीं होंगे तो कितने लोग आगे निकल जाएंगे, उनका समय लौट कर नहीं आएगा। लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो, अव्यवस्था फैले, छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, भाई बहन, जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना अध्ययन करना है, अपनी तैयारी करनी है, वो अध्ययन न करें, वो पढ़ाई न करें, बल्कि उनके साथ सड़कों पर निकलकर व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि उनको वैसे तो कोई मिलने वाला नहीं है, वैसे नहीं मिलने वाला है। अब यही छात्रों को, छात्राओं को
बरगलाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है भाइयों बहनों। लेकिन हमने तय किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई हर कीमत पर सजा दिलवाकर ही मानेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।